हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह। हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट्स, पर्सनल कोच, गजन अनबॉक्सिंग्स और टेक न्यूज़। तो गाइस, मार्केट में जो है फिलहाल तीन चार ऐसे स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप लेवल पे आ गए हैं, इंट्रोड्यूस हो गए, जिसकी प्राइस जो दोस्तों तकरीबन 60,000 के आसपास है। और ये जो आपको फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस 8 प्रो की, जिसकी प्राइस है दोस्तों 60,000 के आसपास उसके टॉप एंड वेरिएंट की। और वहाँ पे दोस्तों वन प्लस 8 की प्राइस है वो है 50,000 के आसपास 256 GB वाले वेरिएंट की। वही दोस्तों आईफोन ने भी अपना जो है यहाँ पे एक स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन को लॉन्च किया, जिसका नाम है आईफोन SE 2020। अब ये स्मार्टफोन जो है दोस्तों इंडिया में 42,500 की इसकी बेसिक प्राइस है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस भी जो है दोस्तों वो फ्लैगशिप क्लियर है। इसके अंदर आपको वही प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको आईफोन 11 में मिल रहा है, यानी कि A13 बायोनिक चिपसेट। तो ये रेंज में अगर आपके पास 40,000 या 60,000 रुपीज़ है तो आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों तीन चार स्मार्टफोन जिसके मैंने नाम लिए, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आईफोन की। आईफोन SE 2020 में जो दोस्तों आपको यहाँ पे 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। अब डिस्प्ले जो है दोस्तों काफ़ी छोटा और ये जो है दोस्तों काफ़ी आउटडेटेड हो गया। इसमें आपको बड़े मोटे मोटे बेजल्स दिखने मिलेंगे और वहीं आपको जो है होम बटन देखने मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों अगर बैटरी की बात करूँ यहाँ पे, तो बैटरी जो है इसकी 1821 mAh की इसकी बैटरी, जो कि काफ़ी कम है। आईफोन SE 2020 जो है दोस्तों वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए टारगेट किया गया है। अगर आप ज़्यादा कॉल्स करते हो या आप मैसेज करते हो तो ये स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आप जो दोस्तों मीडिया कंज्यूम अगर आप ज़्यादा करते हो, यानी कि आप यूट्यूब्स के ऊपर वीडियो देखते हो दोस्तों, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर रहते हो, तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है SE 2020 वो आपके लिए नहीं बना। ये जो है दोस्तों आपको हार्डली 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप ही दे पाएगा हैवी यूज़ के ऊपर। और ऑन स्क्रीन टाइम की बात करूँ तो तकरीबन 5 घंटे का ऑन स्क्रीन टाइम आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र और आपको आईफोन लेना है, आपको स्विच करना है iOS के ऊपर, तो आप डेफिनेटली जो है SE 2020 को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मीडिया कंज्यूम करोगे ज़्यादा दोस्तों तो इसकी बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं वन प्लस 8 की। वन प्लस 8 और आईफोन SE 2020 में ज़्यादा फर्क नहीं है, 500 rupees का ही फर्क है। आईफोन SE 2020 बेस वेरिएंट आपको मिलता है 42,500 में और वहीं वन प्लस 8 आपको मिल जाएगा 41,000। लेकिन वन प्लस 8 में जो दोस्तों आपको टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन मिलता है, यहाँ पर आपको 865 वाला चिपसेट देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी फ्लैगशिप लेवल का है। और डिस्प्ले भी जो दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, इसमें जो है दोस्तों आपको 6.55 इंच का डिस्प्ले देखने मिल जाएगा, जो कि सुपर एमोलेड पैनल है। और कैमरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कैमरा जो है इसका काफ़ी फ्लैगशिप है। वहीं दोस्तों वन प्लस 8 में जो है आपको पीछे 3 सेंसर देखने मिल जाएंगे, 48 MP का प्राइमरी सेंसर है। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस हम देखें तो ये जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन बनता है। फ्रंट में जो दोस्तों आपको 16 MP का वन प्लस 8 में कैमरा देखने मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करूँ दोस्तों, प्रोसेसिंग पावर की बात करूँ तो वन प्लस 8 एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें जो है दोस्तों 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ वन प्लस 8 प्रो की, तो हम इसे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्राइस जो दोस्तों काफ़ी हाई चला जाता है। इसका बेस वेरिएंट जो दोस्तों 55,000 के आसपास आता है। वहीं दोस्तों एक और स्मार्टफोन मार्केट में निकल गया, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ। ये कंपनी ने एक ही स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका नाम है iQOO। अब iQOO ये जो कंपनी है दोस्तों, ये वीवो की एक सब ब्रांड है। इन्होंने काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो कि वन प्लस 8 और 8 प्रो को डायरेक्ट यहाँ पे कम्पीट करने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों बात मैं आपको बता दूँ कि वन प्लस 8 की प्राइस जो है बेसिक वो 41,000 की। वही दोस्तों iQOO स्मार्टफोन जो है दोस्तों, इसके 5G वेरिएंट की प्राइस है 44,500 rupees। एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको 12 GB की रैम, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4400 mAh की बैटरी देखने मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ बैटरी ये जो है वन प्लस 8 से इसकी बैटरी ज़्यादा है। वन प्लस 8 में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने मिलती है। तीनों ही स्मार्टफोन्स में, आईफोन SE 2020, वन प्लस 8 और iQOO में आपको स्मार्ट और सुपर अपना फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो है iQOO का जो चार्जर है दोस्तों 55W का था, जो कि काफ़ी अच्छा चार्जर है। 15 मिनट में आपका फोन जो है दोस्तों 50% चार्ज हो जाएगा। वही दोस्तों वन प्लस 8 की बात करूँ तो 22 मिनट्स में आपका स्मार्टफोन जो है 50% यहाँ पे चार्ज हो पाता है। और यहाँ पे iPhone की बात करूँ तो अगर आप स्लो चार्जर से चार्ज करोगे, तकरीबन 2 घंटे का आपको टाइम लगेगा चार्जिंग का। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो ये आपको iQOO बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा। iQOO का जो वेरिएंट है दोस्तों 44,000 वाला, ये एक 5G वेरिएंट है दोस्तों। वहीं दोस्तों वन प्लस ने जो है दोस्तों वन प्लस 8 सी से सारे स्मार्टफोन को 5G अनाउंस कर दिया है। अगर आपका बजट कम है और आपको iQOO लेना है दोस्तों, तो आप जो है 34,000 में इसका 4G वाला वेरिएंट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 8 GB की रैम देखने मिलती है दोस्तों। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। इसके स्पेसिफिकेशन जो है दोस्तों, फीचर्स जो है वन प्लस से काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर आपको मॉन्स्टर टच बटन देखने मिल जाएगा अगर आप गेमिंग करते हो। स्क्रीन की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 6.44 इंच की डिस्प्ले देखने मिल जाएगी iQOO में, लेकिन ये जो है दोस्तों 120Hz का पैनल है और सुपर एमोलेड है। वही दोस्तों वन प्लस में भी 90Hz का आपको सपोर्ट दिया, लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो, तो डेफिनेटली iQOO आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है।
अगर आपके पास कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का तो आपको एडिशनल 5% ऑफ भी मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको आईफोन कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आईफोन जो है दोस्तों इसका लुक काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है दोस्तों, 4.7 इंच का डिस्प्ले। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक ही है कि ये जो है बैटरी, इन टर्म्स ऑफ बैटरी, ये जो है लंबी देर तक ये स्मार्टफोन नहीं चल पाएगा, यानी कि आपको इसको दिन में जो है 2-3 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप खाली कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो तो iPhone SE 2020 काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बनता है, क्योंकि चिपसेट के हिसाब से देखो यहाँ पे फ्लैगशिप चिपसेट है। आप iPhone SE 2020 का चिपसेट जो है OnePlus 8 Pro या आप दूसरा कोई भी Samsung का मॉडल है फ्लैगशिप उसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे iPhone SE 2020 डेफिनेटली सबको बीट करता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैटरी दोस्तों ये सबसे बड़ा इसका वीक पॉइंट है, चॉइस आपकी दोस्तों। अगर आपको अच्छे डिस्प्ले चाहिए, आपको अच्छा लुक चाहिए स्मार्टफोन में, तो आप OnePlus 8 को डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। डिस्प्ले मेट नाम की कंपनी जो कि सारी स्मार्टफोन ब्रांड की जो डिस्प्ले रहती है उनको यहाँ पे वो रेटिंग देता था, उन्होंने OnePlus 8 को जो है A+ की यहाँ पे रेटिंग दी, तो आप जो है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आप OnePlus 8 की ओर देख सकते हो। लेकिन आपको एक फीचर रिच फोन चाहिए, आपका बजट जो है 40,000 से कम है दोस्तों, तो आप ब्लाइंडली IQ के लिए जा सकते हो, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। तीनों की लिंक जो है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आपको परचेस करना है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा कंपैरिजन था और एक बजट के हिसाब से आपको कौन सा स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं कंसिडर करूँ दोस्तों तो मैं iPhone SE 2020 कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ दोस्तों तकरीबन 10 साल से एक एंड्रॉइड यूज़र हूँ, अब मैं जो है iPhone के ऊपर स्विच करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको इसको काफ़ी बार चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन iOS 13 भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, तो आप iPhone भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप कॉलिंग के लिए इसे ले रहे हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।